अच्छी परफॉर्मेंस पर जाऊं या फिर
कैमरा सैंपल्स, इंडोर आउटडोर डे लाइट एंड वीडियो सैंपल्स सारे आपको आगे वाले सेक्शन में मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैमरा हार्डवेयर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो यहाँ पर दोनों फोन्स के अंदर बैक साइड पर आपको चार चार कैमराज मिलते हैं। A32 के अंदर आपको मेन कैमरा मिल रहा है 64 मेगापिक्सल का। X3 Pro के अंदर आपको मेन सेंसर मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का। सेकंड सेंसर विच इज द अल्ट्रा वाइड सेंसर, वो दोनों फोन्स के अंदर आपको सेम मिल रहा है विच इज ऑफ 8 मेगापिक्सल। अगेन कलर्स में और रेजोल्यूशन में क्या क्या डिफरेंसेस है वो आपको कैमरा सैंपल साइड बाय साइड देख के ज्यादा बेहतर अंदाजा हो जाएगा। बाकी सैमसंग A32 के अंदर आपको दो सेंसर मिलते हैं, डेप्थ सेंसिंग कैमरा और मैक्रो सेंसिंग कैमरा के 5 मेगापिक्सल के। और वही डेप्थ सेंसिंग कैमरा माइक्रो सेंसिंग कैमरा आपको Xiaomi Poco X3 Pro के अंदर भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन 22 मेगापिक्सल का मिल रहा है विच मीन्स कि अगेन यहाँ पर रेजोल्यूशन ज़्यादा बेहतर आपको पोर्ट्रेट का भी और मैक्रो कैमरा का भी आपको A32 के अंदर बेहतर मिलने वाला है। लेकिन अगर फ्रंट कैमरा की बात कर ली जाए तो दोनों के फ्रंट कैमराज आपको यहाँ पर 20 मेगापिक्सल के मिल रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली दोनों के कैमराज में क्या क्या डिफरेंसेज हैं ये आपको साइड बाई साइड कैमरा सैम्पल्स देख के अच्छे से आइडिया हो जाएगा। सो लेट्स चेक आउट द कैमरा सैम्पल।
फिर फर्क आ जाता है तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है. अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर पोको X3 प्रो. अगर आपकी परफॉर्मेंस प्योरिटी है तो आपको अगेन अच्छी परफॉर्मेंस, फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस बल्कि आपको X3 प्रो के अंदर मिलेगी. लेकिन यहाँ पर अगर आपको कैमराज अच्छे चाहिए, डिस्प्ले अच्छा चाहिए, स्पेशली कलरफुल डिस्प्ले चाहिए, यू शुड गो फॉर सैमसंग A32. क्योंकि आपको यहाँ पर एमोलेड स्क्रीन मिल रही है, यहाँ पर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है, यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल के अच्छे कैमराज मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल के बुरे कैमराज नहीं, अच्छे कैमराज मिल रहे हैं, लेकिन अगेन आपको अच्छे कलर्स सैमसंग के अंदर मिलेंगे. और अगर आपको मजीद भी इन फोन्स के बारे में कुछ जानना है, और स्पेशली अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पोको X3 प्रो का कंपैरिजन करूं सैमसंग A52 के साथ भी, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं नेक्स्ट रिव्यू में कंपैरिजन में इनका कंपैरिजन भी कर सकूं. फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त. दिस इज़ साद अहमद साइनिंग ऑफ. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.